गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज है कौन सा डे है? फ्राइडे है। तो मैं भूल जाता हूँ कभी बार। देखो, मैं जब से घर पे आने लगा हूँ घर पे कोई नहीं आता था। ये भी आ गया, वो भी आ गई है, दोनों भाई बहन एक साथ घूमते रहते। और साथ में कौन आया है? विराट भी आया है और आकाश भी आया है। आज बहुत दिन बाद फास्ट फूड घर पे ही बनाऊंगा। फर्स्ट क्रॉप कोई मतलब नूडल्स कंपनी है, वो पता नहीं घर पे रखा हुआ था, सोचा इसी को बनाते हैं। इसके लिए पानी उबालने दे रखा है, अब पानी उबल जाएगा और जल्दी से बनाना है, तो बना लेता हूँ फिर मिलता हूँ। सो फाइनली खाना बन चुका है और इधर विराट, आकाश और मैगी। मैगी तो नहीं, कुछ और ही नूडल्स है। Listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see. खाना खाने के बाद फिर मैंने उठा, फिर मैं अपना अपना काम करने लग गया। इतने में विराट मेरा फ़ोन ले गया, और जबकि मेरे को पता ही नहीं था। फिर विराट ले जाकर क्या कर रहा है, आकाश आया हुआ था, आकाश से बोल रहा कि तू गेम खेल, मैं तेरे वीडियो बनाता हूँ। तो आकाश अपने में लगा हुआ है, पूरा वीडियो खेल रहा था और विराट इधर फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहा है। फिर मैं विराट को बोल रहा हूँ, विराट भाई फ़ोन का है मेरा, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। वो हंसने लग गया। मैंने बोला, भाई क्या हो गया, हंस क्यों रहा है, फ़ोन दे मेरा, तूने लिया है क्या? तो बोलता, नहीं मैंने नहीं लिया। फिर झूठ बोलने लग गया। इतना में मेरे को पता चल गया कि उसी के हाथ में फ़ोन है। फिर जाके देख रहा हूँ दोनों एक साथ, जबकि मैंने आकाश को मना कर रखा है कि भाई आकाश तुम मेरे घर पे आते हो, पढ़ाई करो, ये जो मर्जी करो। तो और वो आके बोलता कि यहाँ पे फ्री इंटरनेट मिलता है, तो मैं यहाँ पे गेम खेलने आया हूँ। और मैंने एकदम से फ़ोन ले लिया, बोला नहीं ये सब काम नहीं चलेगा यहाँ पे। सो मैंने जब फ़ोन ले लिया, उसके बाद मैं आके खुद पढ़ने लग गया। और फिर विराट दोबारा आया, आने के बाद मेरे को पता भी नहीं चला कब आया, छुपके से आके। फिर बोलते कि रुको एक चीज़ बना के लाता हूँ। फिर पता है छुपके से आके मेरे को नहीं बोला, दादी को बोला एक चीज़ बनाता हूँ, आप मोबाइल देखो मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। सो अभी सुबह के टाइम हो रहा है 10:36, मतलब 10:30 हो चुका है। और मेरे को लगी बहुत तेज़ भूख, तो सुबह मैगी तो खाया था, मतलब नूडल्स खाया था, उतना मज़ा नहीं आया। तो अभी ये खा लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ खाने के बाद। आज एग्ज़ाम चल रही है और बहुत मतलब वाइटल एग्ज़ाम है, पीडिया का एग्ज़ाम चल रही है। तो इसमें टीचर्स ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसका आंसर भी बताना है, और साथ साथ वो जो आंसर है उसको जस्टिफाई भी करना है। बाप रे, बहुत सारे प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बाप रे बाप। सो फाइनली जैसे तैसे करके हो गया पास, और अभी मेरा अगले वाला रोल नंबर का चल रहा है। तो हमने इतना ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किया ना, सब तो बोले थे बहुत आसानी से पास हो जाओगे, लाइक गूगल करने के पढ़ाई तो हुई नहीं है। सच बता रहा हूँ, पीडिया में कौन पढ़ाई किया है, कैसे क्लास, मैंने तो नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चीटिंग करके पास हो जाऊँगा, मगर चीटिंग में भी दिमाग चाहिए और कुछ कुछ चीज़ याद था, इसलिए एकदम फ्रैक्शन से आंसर निकला। वैसे ओपनली कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि पीडिया में मैंने आज चीटिंग करके पास हुआ हूँ, और बस कुछ याद था और कुछ दोस्तों ने हेल्प किया और कुछ गूगल हो गया पास। अकेले आई 10 मिनट से मैं ओरल दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने ऐसे ना यूट्यूब का वीडियो वगैरह देखने लग गया। और इतने में पता नहीं मेरे को कब धीरे धीरे नींद आने लग गई और मैं सो गया, और एकदम से मैं सो गया। और पता है क्यों? क्योंकि रात को ना ढंग से नींद हो नहीं रही है, पता नहीं कुछ दिनों से, जो कि ना पहले भी एक बार हुआ था जब मैं यूक्रेन में रहता था, अब फिर से होने लगा है। और मेरा इधर फ़ोन चल रहा है, मैं सो गया, पता नहीं मेरे को पता भी नहीं चल रहा कि मेरे को इतना नींद क्यों आ रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सो लेता हूँ, और शाम को आने वाली है मेरे भाई, मतलब मेरा भाई आएगा जो कि ना मेरे साथ दिखा गया था, आपको याद ही होगा कि दिखा जाके हम लोग ने मस्ती किया था। वो भाई आ रहा है, उसका वो दोस्त तन्मय भाई, दोनों सब आ रहे हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि आज रात को फिर से प्लान बनाएंगे कुछ ना कुछ पार्टी वगैरह करने के लिए। तो देखते कब तक आता है वो, और आने के बाद फिर हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। और अभी जो देख रहे हो ये है इमली से बीज निकाल के, इमली को सुखा के, लाइक इमली को प्रिजर्व करना। तो ये दादी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसमें देख सकते हो इमली से जो ना बीज निकाल के रखोगे तो इमली का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मैं भाई को लेने गया था रात को, और ले आया और सब कुछ रिकॉर्ड किया, और पता नहीं अचानक से वो फोल्डर गायब हो गया, लाइक वो वीडियो सारे गायब हो गए, मेरे को एक भी नहीं मिला। तो फिर मैं रात का कोई भी कुछ दिखाई नहीं पाया यार, बहुत बुरा लग रहा है कि कितने कुछ शूट किया था। कल भाई आया था आने के बाद, चलो शुरू से बताता हूँ। तो कल जब भाई आया, मैं लेने गया था शाम को, भाई को लेके आया, भाई को लेके आने के बाद उसका दोस्त भी आया था, दोनों को लेके आया।
तीन लोग आने वाले थे उसमें से दो लोग आए, चलो कोई नहीं। उसको बार बार कॉल किया जो तीसरा वाला बंदा था कि क्यों भाई तू भी आ, तू भी आ। मतलब थोड़ा बहुत मस्ती होता ना, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ तो बहुत बोर हो जाता हूँ, तो सोचा कि मस्ती वस्ती हो गई, तो उसको बुलाया तो वो आया नहीं। और उसके बाद हम दोनों तीनों थे, तो रात को हम लोगों ने खाना बनाया, लाइक चिकन लेके आया था, और उसको चिकन बनाया बहुत अच्छे से, चिकन बना था बहुत सुपर टेस्ट बना था। तो चिकन बनाया उसके बाद बहुत सारे फुटेज निकाला और सारे फुटेज गायब। सो फाइनली मेरे को एक बैकअप प्लान था, लाइक मेरे पास एक डिगो ऐप है, DEEGO लाइक समथिंग डिगो, तो उसमें मेरे को बैकअप मिला। मतलब थोड़ा सा क्वालिटी गिर सकता है, मेरे को वो सारे फुटेज मिल चुका है, चार मतलब चार फुटेज, चार पांच फुटेज है, सारे मिल चुका है। तो आप उसको देखो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं बहुत देर से इधर उधर ढूंढ रहा था, फाइनली मेरे को मिल गया कि एकदम से याद आया, अरे यार मैंने तो बैकअप किया था, तो उस बैकअप में मेरे को मिल गया। आप भी कोई भी चीज़ अगर करते हो उसका बैकअप कर सकते हो। बाय द वे ये जो डिगो ऐप के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको 1 TB तक फ्री स्टोरेज मिलता है, आप खुद डाउनलोड करके देख लो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं देता नहीं हो जाता। अब आगे देखो। तो फाइनली रेडी हो चुका हूँ, मतलब नहाना हो चुका है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मेरे भाई आने वाला है, और आज रात भर पार्टी चलेगी, और भाई का दोस्त भी आने वाला है जो तन्मय, जो एक साथ दिखा गए थे, तो तीनों मिलकर आज पार्टी करेंगे। चौथा वाला पर्सन भी आने वाला था, वो एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, तो कोई नहीं, तीनों मिलकर आज पार्टी करेंगे, और कुछ खाना पीना खुद ही बनाएंगे, खुद मतलब बाहर का कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सब कुछ घर पे बताएंगे। भाई को लेने जाया था, फिर देखा कॉलेज के सामने मोतुआ का सम्मेलन हो रहा है, लाइक यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मोतुआ मेला, जो कि हमारे घर पे भी है, उस देवता के मेला लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे चलते हैं, और थोड़ा सा मतलब भाई को आने में थोड़ा सा टाइम है, उसके ट्रेन अभी आ रही है रास्ते में, तो मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा घूम के आते हैं। और यहाँ पे वो नाच गान सब कुछ लगा हुआ था, तो सोचा कि थोड़ा सा अच्छा ही हुआ, बहुत दिन मेला नहीं देखा था, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे। तो और यहाँ पे बंगाल में तो मेला लगे ही रहते हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पे बरन हो रहा है, बरन मतलब इसको इनविटेशन करते हैं, फिर उसको बरन डाला में उसको सजा के लेके आते हैं, और साथ में डंका पिटाते हैं। जो डंका का आवाज़ सुन रहे हो, रुको, नहीं सुनाई दे रहा है, मैं सुना देता हूँ, रुको। जिनको डंका नहीं पता, ये देख लो, ये जो पीट पीट रहे हैं, जो बजा रहे, इसको बोलते हैं डंका बड़ा वाला, तो यही डंका पीटना होता है इसमें। फाइनली मेरे दो अनमोल रतन भाई आ चुके, और अभी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत मैच देखते हैं, जो कि IPL चल रहा है। और भाई आते ही आईपैड देखा, बोला भैया इसमें तो गेम बहुत मस्त चलता होगा। बोला हाँ भाई, अपना अपना ही अपना समझ तू खेल। तो सोचा कि बोल दूँ कि इसमें पबजी है, तो उसने देखा कि पबजी डाउनलोडेड है, मतलब मैंने बोलने से पहले उसने देख लिया, तो देखे बोले भैया मेरे को पबजी खेलना है, मैंने कहा हाँ भाई खेल ले। फाइनली खाना तो बन चुका है, और हम लोग सब ने खाना शुरू भी कर दिया है, लाइक खाना लगा दिया है, और इसका जो टेस्ट है ना, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट बना है। मैंने एक चम्मच लिया और बहुत ही सही लगा, और ये फाइनली ये फुटेज भी मिल गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बता दो, अच्छी लगी तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। और फाइनली मेरे को ये फुटेज मिल गए, सारे के सारे फुटेज मिल गए, और रात को अभी अभी आपने देखा जी, हम लोगों ने अभी अभी चिकन खाया है, और अभी बहुत सारी बातें चल रही है, क्योंकि बहुत दिन मिले नहीं थे, और सारी बातें चल रही है, तो बातें खत्म करते हैं और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को एक काम करना है, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना है। सब्सक्राइब का बटन अगर तक नहीं दबाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्या पता आगे और भी अच्छे व्लॉग आ जाए। और बाकी कल के लिए प्लान है, खेतों में जाना है, और खेतों में जाकर खेतों का एक अच्छा सा ब्लॉग आएगा, तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, हो सकता है इसको शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।